नमस्कार साथियों, मैं गुरुजी जीएलसी टॉप 50 आईएएस में स्वागत अभिनंदन। आईएएस आईपीएस यूपीएससी इट मीन्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी, ठीक है। सिविल सर्विसेज में एमपीपीएससी और यूपीएससी के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन बेसिस के लिए आप जीएलसी आईएएस इंदौर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए बिना समय गंवाएं अपन लोग जो है फाइनल रिविज़न सीरीज है उस पर स्टार्ट करते हैं। हालांकि बहुत जल्दी आप लोगों को मेरे जो 500 फैक्ट वाले 1000 फैक्ट वाले जो वीडियो हैं वो भी मिलना शुरू होंगे। शुरुआत है ये उससे, कुछ वीडियो उसी के अर्ली वीडियोस हैं, एक तरह से स्टार्टर हैं। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक ऐसा है कि नॉर्मली हम लोगों का रिवाइज तो है लेकिन क्वेश्चन जिस लेवल में आते हैं वैसे तरह के प्रश्नों को लिया गया है। बेसिकली ये इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है और इंडियन ज्योग्राफी में कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जो नॉर्मली ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी सिल्ली सी मिस्टेक से इन प्रश्नों में गलती बहुत अधिक होती है, तो ऐसे प्रश्न छांटे गए जहाँ पे अपने से त्रुटि होने की संभावना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के बाद दूसरा कौन सा है? पुद्दुचेरी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता, अब क्वेश्चन आप देखिए अर्बन एरिया में जो लोवेस्ट लिटरेसी रेट है वो किस स्टेट में है? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन केंद्र शासित प्रदेश में एक भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती? अनुसूचित जनजाति तो सब जगह निवास करती है, अनुसूचित जाति निवास नहीं करती, एससी कैटेगरी। लक्षद्वीप एंड अन्य को अंडमान निकोबार में एससी कैटेगरी से रिलेटेड कोई भी नहीं है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज पूछा है, ये सर्वाधिक है मिजोरम में। और अगर केवल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पूछे तो मध्य प्रदेश। दिखने में ये प्रश्न सरल है लेकिन मानवीय भूले बड़ी हो जाती है एग्जाम में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पॉपुलेशन जो है हाईएस्ट है हिमाचल प्रदेश में। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, मतलब ऐसा स्टेट कौन सा है जहाँ पर नगरीय जनसंख्या सबसे कम होती है? सिक्किम। नेक्स्ट, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो आपको ध्यान है कि 2011 के बाद जनगणना हो नहीं पाई और 2001 से लेकर 2011 के बीच में 10 वर्ष जो रहे इसमें दशकीय वृद्धि दर जो सर्वाधिक रही मेघालय में रही 27.9 नियर अबाउट 28%। मेघालय याद रखें आप, मेघ से। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लिंगानुपात में जो यूनिटरी है उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पुद्दुचेरी, राज्यों में तो केरला है ही है। तूतीकोरन बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया है? चिदंबरनार बंदरगाह तूतीकोरन वाला। किन दो राज्यों में एक भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? अब वहाँ पे क्या थे आपके यूनिटरी थे, यहाँ पे स्टेट्स पूछा है, तो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अंदर एससी कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ये क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, 68.8%। और नगरीय याद करने की ज़रूरी नहीं है, ये याद है तो नगरीय जो है अर्बन पॉपुलेशन आप याद कर सकते हैं परसेंटेज में। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन कारखाना कहाँ है? अलंग गुजरात। जो अलंग गुजरात है, जहाज पुनरावर्तन मतलब जहाजों को मॉडिफिकेशन एक तरह से तोड़ना फोड़ना मरोड़ना कारखाना अलंग गुजरात। आप जो लोग हैं अगर टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो बहुत सारे फ्री टेस्ट जीएलसीआईएस एप्लीकेशन पे अपलोडेड हैं, और आप लोगों को लगता है कि आपको पेड टेस्ट सीरीज भी देनी चाहिए तो आप वहाँ पे जो पेड टेस्ट सीरीज है उसको भी देख सकते हैं। और डेफिनेटली कोई भी आपको इश्यू लगे तो मुझे आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर इस पर दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस है 943। किस वर्ष को भारतीय इतिहास में लघु विभाजन वर्ष के रूप में कहा जाता है? तो ये दो चीज़ें आती है, जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष 1921, महामारी, अकाल, सत्ता संघर्ष, ब्रिटिश अत्याचार, उस कारण से 1921 में क्या हुआ था, भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में घटी थी, इस कारण से उसे जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहा जाता है। और लघु विभाजन वर्ष जो है 1951 की जो जनगणना हुई थी उसमें पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान के रूप में अलग हो गया था, इस कारण से उसे लघु विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। पहली मोनोरेल का सेवा का शुभारंभ कब हुआ? 2014 में। और कहाँ से हुआ था पहली मोनोरेल? मोनोरेल मुंबई 2014। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो 31.2%, ये क्वेश्चन पीसीएस में आया था। और जो अर्बन अगर 31.2 है तो जो रूरल एरिया है वहाँ पॉपुलेशन जो परसेंटेज रहेगा वो कितना होगा? 68.8%। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह या मद्रास बंदरगाह। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व जनसंख्या का
कितना परसेंट है तो 17.5%। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। भारत में मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह कौन सा है? तो मुक्त व्यापार क्षेत्र में आता है कांडला बंदरगाह गुजरात। और कांडला बंदरगाह क्यों विकसित किया गया था? जब जो कराची बंदरगाह है वो पाकिस्तान में चला गया, तो पाकिस्तान में जब बंदरगाह मकरान तट वाले उधर चले गए तो पश्चिमी तट पे हमारे पास एक भी कोई पावरफुल जो पोर्ट है गुजरात वाले इस वाले एरिया में नहीं था, तो उसी के लिए क्या हुआ, कांडला बंदरगाह बनाया गया, जो एक ज्वारीय बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कितना प्रतिशत है, मतलब 80%। भारत का जनसंख्या घनत्व 325 से बढ़कर 2011 की जनगणना में कितना हो गया, मतलब 2001 में कितना था, 325, और ये बढ़कर कितना हुआ, 382। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही? तो ऋणात्मक कहाँ की रही, सर्वाधिक कहाँ की रही, मेघालय लगभग 28% के आसपास, और न्यूनतम कहाँ रही दशकीय वृद्धि दर, नागालैंड, जहाँ पे 0.59% जनसंख्या डिक्रीज हुई। नवान शेवा बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नवान शेवा बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में आता है, इसका नया नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कंप्यूटरीकृत बंदरगाह भी है ये। 2011 की जनसंख्या के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या का प्रतिशत कितना है? तो 8.6, लगभग 80 से आधा। देश के बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह संविधान की किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में। बड़े बंदरगाह संघ सूची का विषय है और छोटे बंदरगाह समवर्ती सूची की। राज्य को लेके तो राज्य कानून बनाए और केंद्र को लेके तो केंद्र कानून बनाए। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए नगर विमानन मंत्रालय ने कौन सी योजना शुरू की है? तो जीवन रेखा उड़ान परियोजना। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कौन सी योजना आई है? जीवन रेखा उड़ान योजना। दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक होने के फलस्वरूप किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी गई है? मैंने ऊपर डिस्कस किया था 1921, मेट्रो रेल वाला आपका आ गया था। महाराष्ट्र और गोवा के अलावा ऐसे कौन से दो राज्य हैं जो कोंकण रेलवे से लाभान्वित होते हैं? देखिए, जो गुजरात वाला भाग है वो आपका काठियावाड़ तट, गुजरात से आगे काठियावाड़ तट जो किसका भाग है, गोवा तक का पूरा ये पार्ट कोंकण तट में, और यहीं पे कोंकण रेलवे है। तो कोंकण रेलवे में और कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? कोंकण रेलवे में चार राज्य हैं, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गोवा। और ये PDF आप लोगों को रामबाण सेक्शन में, जो MPPSC में जब अभी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करने के बाद देखेंगे, वहाँ बेच में ऐड हो जाएंगे, बेच में ऐड हम लोग कर देंगे आप लोगों को, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद आपको ये PDF रामबाण सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। MPPSC प्री टेस्ट सीरीज आप लोग देख सकते हैं, लगभग 10,000 प्रश्नों का एक आपको पूरा बढ़िया ढांचा मान्यता के साथ, स्टैंडर्ड के साथ आपको ए पे अवेलेबल होगा। इसमें यूनिट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट हो गया आपका, प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं जो विद डिस्क्रिप्शन है, और बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। थोड़ी सी मॉडरेट और टफ लेवल पे है, लेकिन अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए एक बेस्ट टेस्ट सीरीज है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950। चार धाम महामार्ग परियोजना का पुराना नाम ऑल वेदर रोड। किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? मोटर गाड़ी उद्योग, पीतमपुर वाला जो फेमस है। 1924-25 में रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया, इसे पुनः कब मिलाया गया? तो 2017 में पुनः एकीकृत कर दिया गया। दिल्ली में पहली मेट्रो रेल सेवा 30,000 से शाहदरा के बीच में शुरू की थी, कब? तो दिल्ली में पहली मेट्रो जो रेल सेवा है वो 2002 में शुरू हुई थी। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु किस राज्य में है? गुजरात। सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात। चर्म उद्योग जो है उसका सबसे बड़ा केंद्र है कानपुर, जूतों के लिए फेमस है कानपुर के जूते। विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारतीय रेलवे। भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017 में हुई, इसका संबंध है तो भारतमाला परियोजना जो है सड़क निर्माण से संबंधित है। सड़कों की लंबाई के अनुसार प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। किस प्रकार के रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है? मूंगा रेशम। ऐसे हर यूनिट पे मैं ज़बरदस्त रामबाण वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको टाइम सेविंग वीडियो मिलेंगे। डायरेक्ट आपको पढ़ना है, याद नहीं तो वहाँ पोज कर लेना, स्पीड कम ज़्यादा आप लोगों के हाथ में। सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब हुई? 2016। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है? सिंदरी, झारखंड। ये कम से कम 100 एग्जाम में आता हुआ ये क्वेश्चन मैंने देख लिया है अभी तक। सेतु भारतम योजना का संबंध किस एरिया से? तो सेतु भारतम योजना जो है
राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे हैं उनसे रिलेटेड हैं। सड़क निर्माण में निजी भागीदारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है, बोट नीति BOT। फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था, तो फास्फेट रानीपेट, फास्फेट रानीपेट। भारत में शीशा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है, तो शीशा उद्योग या जो है फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, शिकोहाबाद, ये दोनों जगह महत्वपूर्ण रूप से फेमस है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश का है, तो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट जो सड़क ट्रैफिक है या नेटवर्क है वो इंडिया का है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 4 महानगरों को जोड़ा गया जिसमें कितना लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया, तो लगभग 5,846। 5, 4, 6, देखो आप देखिए अंकों पे याद ध्यान रखिए, याद करने की कोशिश करें, 5,846 किलोमीटर। भारत में कागज़ का पहला सफल कारखाना कौन सा था, पहला सफल कारखाना पूछा, कागज़ उद्योग के लिए पश्चिम बंगाल फेमस है, सही है, लेकिन पहला सफल कारखाना लगा था लखनऊ में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 27। भारत में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी, बिहार। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है कपड़ा उद्योग को। रेल इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना चितरंजन बंगाल। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश की सड़कों की लंबाई का कुल कितना भाग है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 2% का हिस्सा रखते हैं उसमें। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की किस शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है, ये तो देखने वाली बात है, अरब सागर की शाखा से, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ, इस पर आप अपने स्तर पर आप देखिए, मानवीय भूले संभव है। कॉफी वर्षा किस राज्य में होती है, कर्नाटक। प्रत्यावर्ती मानसून में से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, तमिलनाडु। उत्तर भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम। तो जो उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा होती है जिसे मावट कहते हैं, उसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही है। जेट स्ट्रीम इसको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, वो टॉप लेवल पे हो जाएगा। बेसिकली इसका आंसर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो मेडिटेरेनियन सी या भूमध्य सागर से उठते हैं। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है, कोबाल्ट। ये कितना बढ़िया प्रश्न है, देखिए आप, दलहनी फसलों के लिए कौन सा उत्पादन है तो आवश्यक तत्व है, कोबाल्ट। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, उत्तराखंड, पंत कृषि विश्वविद्यालय जो है। चावल की अधिक पैदावार देने वाली कौन सी किस्म है, IR20 किसकी किस्म है, चावल की, क्यों फेमस है, अधिक उत्पादन के लिए। जनवरी फरवरी माह में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है, उसका कारण लौटता हुआ मानसून जिसे वहाँ पे मैंगो शावर या आम्र वर्षा के रूप से जाना जाता है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तंबाकू की खेती पुर्तगाल ने लेके आए थे और इसकी पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया कहलाती है क्यूरिंग। तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, छोड़ें आप लोग। आर्किड स्टेट के रूप में किस राज्य को जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश। आर्किड स्टेट अरुणाचल। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन किस प्रकार की फसल है, तो लेग्यूमिनस फसल है। बादामी क्रांति का संबंध, मसाला उद्योग। व्हाइट बर्ड रोग किस फसल से होता है, किस फसल में होता है, मक्का। फल एवं सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो पहला चीन है और सेकंड भारत। हरित क्रांति की जन्मस्थली माना जाता है, पंतनगर, उत्तराखंड, भारत में। ये कितना प्यारा क्वेश्चन देखिए आप, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में 1966-67 में हुई, उसका जो जन्म है वो कहाँ माना जाता, पंतनगर से। रोबस्टा व लिबेरिका दोनों किस प्रकार की फसलें हैं या किस फसल की किस्में हैं, कहवा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 67 गलत आंसर है। राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ, 2004। प्रति हेक्टर गेहूं उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, पंजाब। भारत के पहले अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अमृत क्रांति का संबंध किससे है, नदी जोड़ो परियोजना, वाजपेयी जी के द्वारा लाई गई। चाय की पत्तियों में कौन सा पदार्थ अधिक होता है, कैफीन तथा टेनिन। भारत किस उर्वरक का पूरी तरह से आयात करता है, तो पोटेशियम का पूरी तरह से हम लोग आयात करते हैं। प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, केरल। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है, सबसे फेमस चाय की जो ब्रीड है वो उलांग है और ये पैदा होती है ताइवान में। स्वर्ण क्वार्तनी का संबंध किससे है, बागवानी से। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में किस स्थान पर है, तीसरे। लंबे रेशे वाली अमरीकी कपास को देश के उत्तरी पश्चिम भाग में क्या कहा जाता है, नरमा। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। साउथ इंडिया का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। लोयस के उत्पादन में भारत का स्थान, चौथा।
उद्योग की रोटी किसे कहा जाता है? तो उद्योग की रोटी कोयले को कहते हैं। भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई। जस्ते की प्रसिद्ध जवर खाने जो हैं जावर माइंस, वो कहाँ है? राजस्थान। भारत का पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? आसनसोल बंगाल। टीन के भंडार किस राज्य में सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़। विश्व की सबसे बड़ी मल्टी स्टेज लिफ्ट परियोजना किस राज्य में लागू हुई? कालेश्वरम तेलंगाना। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर। अप्रशिक्षित पेट्रोलियम किस युग के औषधि चट्टानों में पाया जाता है? तो ये पाया तो औषधि चट्टानों में ही जाता है, सेडिमेंटरी रॉक्स में, लेकिन ये किस काल की? टर्शरी कल्प की, टर्शरी इरा की। इंदिरा गांधी नहर को जल किस की प्राप्ति कहाँ से होती? सतलज से। हरि के बैराज बनी हुई है सतलज नदी पर, और वहीं से इंदिरा गांधी नहर को जल की सप्लाई होती है, और इसे मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है, थार की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लोएस्ट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? कर्नाटका। पंबा सिंचाई परियोजना केरल। दुनिया के सबसे पहले तेल कोए की खुदाई अमेरिका के किस क्षेत्र में हुई? पेंसिल्वेनिया। और भारत में डिगबोई असम। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार भारत में, और भारत में कहाँ? केरल में। उसका अयस्क क्या होता है? मोनाजाइट। सन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आज भी कर्नाटक, कोलार, हट्टी की खाने। भारत में खनिजों का सर्वेक्षण, पुनर्संरक्षण व अन्वेषण का कार्य किस संस्थान के द्वारा किया जाता है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर बंगाल। झारखंड की जादू घोड़ा खाने फेमस है? यूरेनियम। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। गिरना सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? झारखंड। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से लगा था? रूस। और बंगाल में लगा था दुर्गापुर और दुर्गा माता की पूजा, बंगाल में दुर्गापुर, ये तो याद रह जाएगा। और किसके सहयोग ले? तो वैसे बंगाल और वैसे ब्रिटेन। राउरकेला उड़ीसा, और उड़ीसा में किसने लगाया था? जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी वाले केला खाते हैं, राउरकेला, जर्मनी, उड़ीसा। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो कच्चा तेल, या मतलब क्रूड ऑयल। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मैसूर। सारण नहर व त्रिवेणी नहर को जल जो है किस नदी से प्राप्त होता है? तो सारण व त्रिवेणी कैलान जो है गंडक नदी पर है। नामचिक नामकूफ कोयला क्षेत्र किस राज्य में आता है? जैसे नाम से देखे हमें लग रहा है नाम दफा अभ्यारण अरुणाचल, नामचिक नामफू कोयला क्षेत्र अरुणाचल। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप लोगों का, JLCIS में बने रहें। आप हमारा एप्लीकेशन एक बार ज़रूर डाउनलोड करें, इन सभी रामबाण की PDF भी आपको वहीं मिलेगी, साथ ही आप लोगों को वहाँ पे बेस्ट टेस्ट सीरीज, बेस्ट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम नोट्स और भी बहुत सारी चीज़ें। और MPPSC मेंस के लिए अभी से हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं, आप ऑफलाइन ऑनलाइन बेचेज में आ सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, सब चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।